भी जाना शुरू कर दिया और बहुत सारी चीजें हम लोग अपने जीवन में पा चुके हैं और बहुत सारा कुछ जिंदगी में कर चुके हैं। ऐसे समय में जिंदगी बदलने के लिए ये आज के समय का आधुनिक बिजनेस है, जो आप जिंदगी में जिस चीज की कमी महसूस करते थे उस सारी कमियों को दूर करके आपकी जिंदगी के हरेक सपने को पूरा कर देने वाला धंधा है और वो है डायरेक्ट सेलिंग। और उसकी सबसे बेस्ट कंपनी है वो है सेफ शॉप। समझने की जरूरत है, दो तरीके के लोग होते हैं, जो किसी भी चीज को पहले एडवांस में ही समझ के उसका फायदा ले लेते हैं, और कई लोग जब वो चीज पूर्ण रूप से विकास कर जाती है और अपनी ताकत को दिखा देती है तब सोचते हैं आज ये काम सही है। हर इंडस्ट्री के अंदर ये हुआ है। जब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आई तो स्टार्टिंग में लोग उसके बारे में समझते नहीं थे, जानते नहीं थे और विरोध करते थे, लेकिन सन 80 और 85 के आसपास जिन लोगों ने कंप्यूटर पे उंगली मारना भी सीखा था, सन 90 में जिन लोगों ने छोटे मोटे डिप्लोमा भी ले लिए थे, आज वो लोग लाखों रुपए महीने की नौकरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब सन 2000 के बाद में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ने अपनी ताकत दिखा दी कि ये क्या है, और उसकी वजह से दुनिया का सबसे अमीर आदमी उसी इंडस्ट्री से निकल के आ गया, तो फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की बाढ़ आ गई। क्या आ गई? किसी को भी पूछो क्या कर रहे हो, बोले बीटेक। मतलब इतने कॉलेजेस खुल गए, आप जिस रोड पे चले जाओ आपको मेडिकल कॉलेज मिले ना मिले, लेकिन इंजीनियर बनाने वाला एक कॉलेज आपको जरूर मिलेगा। ऐसा है कि नहीं? और अभी मैं देखता हूं आए दिन अखबारों में छपता है बीटेक डिग्री होल्डर अभी समोसे बेच रहा है, कोई चाट बेच रहा है, और लिख रखा बाकायदा बीटेक चाट भंडार है। तो आप किस पे एहसान कर रहे हो? कोई कह रहा था कि तुम बीटेक करना? किसी वेद में लिख रहा था, किसी शास्त्र में लिख रहा था? हैं? सही समय पर की नहीं, अब गलत समय पर करी तो फिर क्या करोगे? चाटी बेचोगे, अब हम क्या करें उसमें? हेलो। तो ये एक समय रहता है, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो आप समय के बाद में उसके लिए निर्णय ले रहे हो, उससे क्या फायदा होने वाला है? आज का जो समय है वो गुड्स एंड सर्विसेज के मामले में, जो भी कंपनी लोगों को बेस्ट सर्विस देगी और अच्छे दामों पे सर्विस देगी और क्विकली सर्विस देगी, वो कंपनी और वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा। और आज हमारी इंडस्ट्री FMCG इंडस्ट्री, जो जरूरतों के सामान बनाने वाली इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, या हम यूं कहें कि ऑनलाइन मार्केटिंग इंडस्ट्री ने अपनी दम दिखा दी है। आज हिंदुस्तान की बात छोड़ो, दुनिया का सबसे रईस आदमी हमारी इंडस्ट्री से निकल के आया है, अमेजन का मालिक है, ऑनलाइन मार्केटिंग से निकल के आया है। आप देख लीजिए, कोई दुकान 100 साल पुरानी होगी उसकी बराबरी नहीं कर सकती अमेजन वाले ने जो धूम मचा के दिखाई है। यस या नो? लोग सोचते थे बिल गेट्स को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता, लेकिन उसने छोड़ के दिखा दिया। छोड़ दिया कि नहीं? ये हमारी इंडस्ट्री आज प्रमाणित कर चुकी है, और अभी वक्त है कि आप इसका फायदा लें और इसके साथ दमदारी के साथ काम करें, करना चाहिए। इसमें शुक्र है कि आपको कम से कम 5 साल का डिप्लोमा या 4 साल का कोई डिग्री नहीं लेना पड़ेगा, बीटेक नहीं करनी पड़ेगी इसके लिए। इसमें बस 3 से 4 साल सिस्टम में आना है, सिस्टम में जानना है कि काम कैसे करना है, क्योंकि ये सेलिंग का धंधा है, सेल्स का काम है, और सेल्स का जो काम रहेगा उसका स्केल हमारे अंदर होना चाहिए कि नहीं? और जब तक वो हमारे अंदर आएगा नहीं तब तक हम सेल कर नहीं सकते। मार्केट में चाहे कोई आदमी कोई छोटी से छोटी चीज बेचे, उसको भी अपने धंधे की जानकारी तो होनी ही, बोल नहीं रहे सारे लोग, होनी चाहिए कि नहीं? तो अपना भी धंधा है, इसकी जानकारी बढ़ानी पड़ेगी। हम जिस धंधे से निकल के आते हैं उस धंधे की जानकारी रहती है, और जब इस धंधे में आ रहे हैं तो इसकी भी जानकारी बढ़ानी चाहिए कि नहीं बढ़ानी चाहिए? तो आज के टाइम पे मैं बोलता हूं इस बात को बिल्कुल प्रमाण के साथ में, जो आदमी आज इसको लेकर के नकारेगा, जो आदमी इसको लेकर के रिजेक्ट करेगा, आने वाले टाइम में वो आदमी पछताएगा। उसको लगेगा यार मैंने डिसीजन ले लिया होता तो सही रहता, ये तय है। और जिन लोगों ने डिसीजन ले लिया है और पॉजिटिवली काम कर रहे हैं और आज इस हॉल में टाई लगा के बैठे हैं, मैं उनको बधाई देता हूं, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो, बस ऐसे चलते रहना, कभी पीठ मत दिखाना, बस सकल दिखाते रहना, आने वाला वक्त आप ही लोगों का। आज समय को देखते हुए अगर हम देखते हैं मार्केट में,
हर आदमी अलग अलग तरीके की जिंदगी जी रहा है। एक सर्वे है, अभी मैं कुछ ही समय पहले किसी एक किताब में पढ़ा, सर लोगों के माध्यम से भी पता चला कि आज मार्केट में चार टाइप के लोग जिंदगी को जी रहे हैं, और हमें ये देखना है, सिलेक्ट करनी है कि हम कौन से टाइप में आते हैं, और हमें सिलेक्ट करना है कि हम कौन से टाइप में पहुंचना चाहते हैं। पहले टाइप के वो लोग हैं इस दुनिया में, हमारे देश में, जिनके पास नो मनी लॉट ऑफ टाइम, ऐसे लोग हैं कि नहीं? उनके पास पैसा नहीं है, समय खूब है। आप देखेंगे गांव में कहीं भी किसी भी चीज के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली जुड़ के खड़े हो जाएं, सबसे पहले मांग काढ़ के आगे बैठ जाएंगे वो। उन पर कोई काम ही नहीं है, वो बिल्कुल कहीं ले चलो, रैली में, भागवत, सत्ता, कहीं जिंदाबाद, मुर्दाबाद, सब जगह के लिए तैयार, ऐसे लोग हैं कि नहीं? नो मनी लॉट ऑफ टाइम, सब्जी पूड़ी पे जाने के लिए तैयार हैं, और एक बूंदी का लड्डू तो फिर तो तुम रात तक रोक रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पौवा मिल गया ना, आहा। पूरा दिन देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन पे वही है, नो मनी लॉट ऑफ टाइम, ऐसे लोग हैं कि नहीं? आपने देखा होगा अभी खेत वेत कट गए तो आपको लोग मिल जाएंगे, कहीं भी चौपाल पे पेड़ के नीचे आराम से तांस खेल रहे होंगे धुआंधार, हैं? जय बादशाह, है जय इनका, चल रहा होगा कि नहीं कार्यक्रम? और पूरा झुंड लगा रहेगा जैसे कोई मर गया है, वहां सब ऐसे देखते हैं। हेलो, इतनी एनर्जी से तांस ऐसे छोड़ रहे हैं जैसे मतलब इंडिया ने कहीं कोई बॉम्ब गिरा दिया कहीं चाइना वाइना पे, कि क्या एक दो बाजी, अरे हरा के छोड़ूंगा, मैडम बुला रही सानी लगा दे, बोले ना इज्जत तो आप पे लग रही है, तू सानी की बात कर रही है। सच में ऐसे लोग हैं कि नहीं? अब थोड़ा मॉडर्न जमाना आ गया, फरीदाबाद जैसी जगह पे भाई यहाँ ऊंची ऊंची बिल्डिंग हैं, सर यहाँ ऐसा नहीं। अच्छा यहाँ की मैं बता देता हूँ, यहाँ आईपीएल चलता है, छह घंटा आदमी वहां बैठा रहेगा, क्रिस गेल के कितने रन है, विराट कोहली के पूरे लिस्ट पता है उसको, भाई साहब को उसको जे नहीं मालूम मेरे खाते में कितने पैसा है, क्रिस गेल के रन गिन रहा है। हेलो, कई लोग तो फाइनल वाले दिन तो स्क्रीन लगाएंगे, स्क्रीन गली में सार्वजनिक रूप से आइए, समय बर्बाद करते हैं। बेंगलोर जीते चाहे बंबई, तुम्हें ठंडी मिल रही है, कुछ मिल रहा है? उनकी सब मिली भगत है, वो आज कुछ भी खेल ले, कल फिर कहीं और खेलेंगे। हेलो, उन्होंने नया फंडा निकाला है, आपकी टीआरपी से, आपके चैनल लगा लेने से, आज उसकी बोली जो लगी है दुनिया में, आज तक उसको ब्रॉडकास्ट करने के लिए जो बोली लगी है, जो स्टार चैनल ने उसको खरीदा है, दुनिया में आज तक किसी भी चीज को लाइव टेलीकास्ट करने के लिए इतनी महंगी बोली नहीं लगी जितनी आईपीएल को खरीदने के लिए बोली लगी है सर, आपकी सिर्फ टीआरपी के लिए। हेलो, और हम बैठे आराम से देख रहे हैं, टाइम ही टाइम है ना अपने पास, टाइम ही टाइम है। हेलो, ऐसे प्राणी हैं कि नहीं? काफी सारी महिलाएं हैं सीरियल देखती रहती हैं, तीन तीन चार चार साल तक एक सीरियल चलेगा, एक ही सीन को यू 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 मतलब वो घुमाते रहेंगे और वो आराम से उसको वो देखते रहेंगे, आज प्रतिज्ञा के साथ क्या होने वाला है। और अपनी प्रतिज्ञा भूल गई, पतिदेव रोटी लाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, वो थाली बजा रहा है, रुक जाओ पहले हाथ देखना इसका पति छोड़ेगा क्या रखेगा, अपने वाले को तो देख नहीं रही। नो मनी लॉट ऑफ टाइम तो क्या करेंगे, चैनल ही लगा लो। हेलो, अभी इंडिया में जो ये आईएएस का जो एग्जाम हुआ है, अभी उसमें कोई एक मैडम आई है, वो सेकंड नंबर रैंक पे आई है, उनका मैंने कुछ न्यूज में कटिंग देखा, उसमें ना भारत टाइम्स में निकला, चार साल का बच्चा है उनका और उन्होंने सेकंड नंबर की रैंक हासिल की है इंडिया के अंदर। प्रतिज्ञा के हालचाल पूछ के की होगी क्या? छोड़ेगा पति के रखेगा।
मैंने किसी को भेजी नहीं, भेजी मैंने अपनी धर्मपत्नी को जरूर भेजी। मैंने देख तू प्रतिज्ञा को देखती रहती है। देख लो आप क्या लगता है, मायावती जी प्रतिज्ञा को देखती रहती होंगी? सोनिया गांधी जी पे इतना टाइम होगा? ममता बनर्जी देखती रहती होगी आज क्या हो रहा है? अरे कौन सा चैनल लेके आ रही है एकता कपूर? हैं? वो खुद नहीं देखती चैनल, वो सीरियल बना के छोड़ जाती है। एकता कपूर इतनी एक्टिव है उसे मालूम है आंटी लोगों को कैसे चिपका के रखना है। और अपन लोग लगे रहते हो क्यों? लॉट ऑफ टाइम नो मनी। ये सच है कि नहीं? दूसरे टाइप के कौन लोग हैं? लॉट ऑफ मनी नो टाइम। पैसा बहुत है टाइम नहीं है। उनसे अगर कोई 10 मिनट बात भी करे, अरे यार मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मतलब उन्हें कुछ भी, उनकी इतना तनख्वाह इतना सब कुछ है, अगर उनकी बीवी उनको बोले एक हफ्ते के लिए गोवा चल रहे, पागल हो गई है, मेरे पास एक हफ्ते का टाइम? शादी में भी अगर वो कहीं जाएंगे, इतना पैसा वाले हैं, इतने बिजी दिखाएंगे वहां, कोई बोलेगा थोड़ा रसगुल्ला कुछ खा लो, कुछ नहीं, 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 टाइम नहीं, टाइम नहीं है। उनको ये नहीं कोई बता सकता है जो किसकी शादी में थे, कौन लड़का था कौन लड़की, उन्हें मालूम ही नहीं, कहीं खुद की लड़की ना बैठी हो दुल्हन बन के, टाइम ही नहीं उनको, पता ही नहीं दुनिया में हो क्या रहा है। ऐसे भी प्राणी है? बिजी राम, बहुत बिजी। उनका वारंट कटता है उस दिन भी वो यमराज से कहते होंगे यार थोड़ा बिजी था मैं। और तीसरे कौन से हैं? नो मनी नो टाइम। इन पर दोनों में से कुछ नहीं है। हेलो, जे प्राणी कौन से होते हैं? जे वो होते हैं 8,000 पे 12 घंटे नौकरी करने वाले। हेलो, तनख्वाह इतनी मिलती है कि वो जुर्र करके खर्च हो जाती है। देखे आपने जैसे सूखी मूंज का पूरा जल जाता ना सब फर्र करके, ऐसे इनकी तनख्वाह जो झुर करके खर्च हो जाती है। 8,000 कब आए कब गए, आने से पहले ही कई दानव की तरह मुंह फाड़ के बैठे रहते हैं। दूध दिया बैठा रहेगा, इनका राशन वाला लाला बैठा रहेगा, ट्यूशन वाला सरजी बैठा रहेगा, हा डाल जल्दी तनख्वाह आते ही पहले स्वाहा। तो नो मनी और नो टाइम, क्योंकि 8 घंटे 10 घंटे वहां जाना है इनको, और ज्यादा भी नाटक किया ना बोला ठीक है तू निकल ले तेरे से बढ़िया कल के लिए इंतजार कर रहा है, हिसाब कर लियो अपना। सारे लेबर लॉस खत्म हो जाते हैं वहां पे, बस केवल काम करना है। और 12 घंटे रगड़ेंगे तो 12, मन करेगा तो 14, और सीजन के टाइम पर रात को नहीं जाने देंगे। ऐसे मैंने बहुत प्राणियों को देखा है। नो मनी नो टाइम। सन्नाटा है इधर बहुत तगड़ा। हेलो, ऐसे भी लोग हैं कि नहीं? और चौथे कौन से हैं? लॉट ऑफ मनी लॉट ऑफ टाइम, जिन पे पैसा भी खूब है और समय भी खूब है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं ये तो नहीं पूछूंगा कि आप कौन सी वाली कैटेगरी में आते हो, तो बेइज्जती हो जाएगी यहां, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं सभी फरीदाबाद वासियों से और आसपास के जहां से भी टाइगर्स आए हैं, आप कौन सी कैटेगरी में जाना चाहते हैं? क्या जोरदार आवाज थी, कौन सी वाली? चौथी वाली, लॉट ऑफ मनी लॉट ऑफ टाइम, पक्का? तो घर जाके बस ये विचार करना कि जो पिछले 5 साल से, पिछले 10 साल से या पिछले 1 साल से मैं जो काम कर रहा हूं, ये काम मुझे कब तक लॉट ऑफ मनी लॉट ऑफ टाइम वाली कैटेगरी में पहुंचा देगा। और अगर उसका उत्तर आता है ना, तो उस आदमी को संपर्क करना जिसने आज यहां बुलाया था, और उसको अपना बना लेना। महागुरु बोले आज से जैसे आप कहोगे मैं वैसे काम करूंगा, और 3 से 4 साल में वो आपको इस कैटेगरी में जरूर पहुंचा देगा, जरूर पहुंचा देगा।